तो क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर साहित्यिक हिंदी का पेपर जो है वह शो कीजिए प्रीवियस ईयर का। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए 2022 का जो है हिंदी का जो है पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यह जो है आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए होता है क्लास 12 के। तो आप हिंदी के पेपर को साहित्यिक हिंदी का पेपर कहिए या हिंदी का पेपर कहिए, सेम यही पेपर है, ठीक है। और जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सामान्य हिंदी का पेपर होता है, लेकिन आर्ट साइंस के लिए साहित्यिक हिंदी अर्थात हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट आई होप आप लोग को नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से यह 2022 का जो है हिंदी का या फिर साहित्यिक हिंदी का पेपर आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो खंड क है इससे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन और फर्स्ट के अंतर्गत क ख ग घ अंग करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके हिंदी गद्य से संबंधित होगा। और मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप जो है प्रीवियस ईयर के सारे बोर्ड एग्जाम का जो है पेपर गेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले का क वाला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है। तो कौन सी कृति नहीं है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिला है, सही विकल्प को चुनाव करना है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है अपने नॉलेज को चेक करने का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खवाला क्वेश्चन है मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं, तो कौन है आपको बताना है। ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएँ नहीं की हैं, यहाँ पर भी 4 विकल्प है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं अंग वाला क्वेश्चन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो कौन रचना है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको क ख ग घ अंग करके इस तरह से 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके हिंदी पद से संबंधित होगा। तो क वाला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है, तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। ख वाला क्वेश्चन है निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है, तो कौन है महादेवी वर्मा की रचना है आपको बताना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः निम्न में से किस युग की है, यहाँ पर भी 4 विकल्प है। इसके बाद आपका अंग वाला है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, तो कितनी आपको यह बताना है। तो आई होप आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कम 8-9 तो जरूर आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप जो है अपने सर की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, वहाँ पर मैं जो है आप लोगों का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मैं क्वेश्चन पेपर आपको स्पेशली इसलिए शो करता हूँ ताकि अपने नॉलेज को आप लोग चेक कर सकें। और इस पेपर में टिक जो लगा है वो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि जिस विद्यार्थी का है उसने टिक लगाया हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आपको पढ़ना है, देख लीजिए इस साइड भी है। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको नीचे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा करके प्रश्न पूछा गया है उनके आपको जो है उत्तर लिखने हैं। तो कुल 5 प्रश्न पूछा गया है जिसका कि उत्तर आपको ऊपर दे गए गद्यांश के आधार पर लिखना है। और अगर आप इस पेपर को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे जुड़े रहिएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं जो है इसका पीडीएफ जो है जल्द ही शेयर कर दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है अथवा करके एक दूसरा गद्यांश, आप चाहें तो इस अथवा वाले गद्यांश को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करके जो प्रश्न पूछा गया है इनका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें कराया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो यह पद्यांश आप देख लीजिए। और इस पद्यांश से संबंधित यहाँ पर आपको पहला दूसरा तीसरा करके इस तरह से चौथा और पांचवा करके प्रश्न पूछा गया, इनका उत्तर आपको ऊपर दे गए पद्यांश के आधार पर लिखना है। अथवा करके भी क्वेश्चन है, अगर आपको एक पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके जो पद्यांश दिया है देख सकते हैं यहाँ पर, इसे आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करके जो प्रश्न पूछा है उनके उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका पांचवा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, इसमें क वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम सीमा जो है आपका 80 शब्द है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके लेखक के नाम दिए गए हैं,
तो किसी एक लेखक का आपको जो है जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद हवाले क्वेश्चन में कराया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके देख सकते हैं, तीन कवि दिए गए हैं तो किसी एक कवि का आपको जो है जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचराइड अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। या फिर अथवा करके आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है वह है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क वाला देख सकते हैं आपका रश्मि रथिक खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो जो खंडकाव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसी खंडकाव्य का आपको एक प्रश्न का एक उत्तर जो है लिखना होगा। तो इसी तरह देख सकते हैं और भी खंडकाव्य दिया गया है, तो इसमें से केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो जो भी खंडकाव्य आप पढ़ते हैं उसी में से केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आप देख सकते हैं अथवा करके प्रश्न पूछा है तो केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है, तो खंड ख में जो है 8वें वाले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका संस्कृत में या गद्यांश दिया हुआ है, आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद करना है। अथवा करके एक दूसरा संस्कृत में आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर अथवा करके एक दूसरा संस्कृत में गद्यांश है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस पेपर का मैं PDF आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में पद्यांश दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको जो है संदर्भ के साथ जो है हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके देख सकते हैं दो आपको पद्यांश देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 कराया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 4 प्रश्न है, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, क ख ग करके 3 प्रकार का प्रश्न है। पहला क वाला रस से है, दूसरा अलंकार से है, तीसरा चौपाई यानी कि छंद अथवा दोहा से है। तो देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में जो है आपको निबंध लिखना है, और जब भी निबंध लिखें तो हमेशा 150 शब्द के आसपास लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो किसी एक टॉपिक पर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क वाला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें पहला दूसरा तीसरा करके जो है प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आपको सही विकल्प का जो है चुनाव करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला दूसरा करके देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इन सब का प्रिपरेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका 13 का क वाला जो प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं पहला दूसरा करके 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ख वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका अब इसके बाद आप ग वाला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें भी आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न पहला दूसरा करके देखने को मिल रहा है। तो मैं जल्दी से आपको पेपर शो कर देता हूं। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक पद में, ठीक है, यहाँ पर 3 आपको पद देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखें, रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए रेखांकित नहीं किया है, बोर्ड के पेपर में भी मिस्टेक है, तो आपको रेखांकित किया हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों को आपको जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, यहाँ पर 4 वाक्य देखने को मिल रहा है। तो यह था कक्षा 12 आर्ट्स साइंस के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी अर्थात हिंदी का पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। यदि आपको और पेपर जो है देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे तो वहाँ पर आपको PDF भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।